बुजुर्गों के 100 साल पुराने नियम एक बार जरूर पढ़ें। नंबर 1, अगर चेहरे समेत पूरे शरीर पर खूबसूरती लानी हो तो एक सेब दूध के साथ सुबह बासी मुंह खाया करें। नंबर 2, नींबू की पत्तियों को कुचलकर सूंघने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। नंबर 3, केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें, थायराइड, बीपी और पेट ठीक रहेगा। नंबर 4, रोजाना रात के वक्त अपने पिट्ठों की मालिश करें, इससे आपके पिट्ठे निहायत मजबूत हो जाएंगे। नंबर 5, चेहरे पर रात को मक्खन लगा लेने से चेहरे की खाल निखर जाती है। नंबर 5, यदि पेट खराब रहता हो तो इसबगोल में दही मिलाकर खाने से आराम मिलता है। नंबर 6, रात को 1 चम्मच त्रिफला मिट्टी के बर्तन में भिगोकर सुबह छाने हुए पानी से आंखें धोए, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और कोई बीमारी भी नहीं होती है। नंबर 7, बादाम, किशमिश और केला दूध में मिलाकर पियो, शरीर को बहुत ताकत मिलेगी और कमजोरी दूर हो जाएगी। नंबर 8, अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि ज्यादा गुस्सा करने वालों पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। नंबर 9, टमाटर का सूप जब घर पर बनाएं तो बनाते समय थोड़ा सा सूखा पुदीना डाल दें, सूप का स्वाद बढ़ जाएगा। नंबर 10, केला एक ऐसा फल है जो आदमी का मूड भी चेंज कर सकता है। नंबर 11, दांतों में छेद होकर काले हो जाएं और दर्द करते हैं तो 2 कली लहसुन की लेकर दर्द वाले दांत में दबाकर रखें, दर्द दूर हो जाएगा। नंबर 12, सूजी के नियमित इस्तेमाल से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। नंबर 13, दही के साथ खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, यह भी आपके हाजमे को बिगाड़ता है। संतरा, स्ट्रॉबेरी, नींबू आदि। आपको बता दें कि उड़द दाल से बने किसी फूड को आप दही के साथ ना खाएं, यह भी हाजमा बिगाड़ सकती है। नंबर 14, बालों को लंबा और घना करने के लिए सरसों के तेल में थोड़ा सा दूध मिलाकर लगाने से बालों को फायदा मिलता है। नंबर 15, बैठकर झाड़ू लगाने वाली औरतों को कभी रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई समस्या नहीं होती। नंबर 16, रोजाना सुबह आंवले का एक पीस मुरब्बा खाएं और शाम को 1 चम्मच गुलकुंद खाकर ऊपर से दूध पी लें, बहुत गुस्सा आना जल्दी ही बंद हो जाएगा। नंबर 17, सांस की तकलीफ हो या एलर्जी हो तो अदरक की चाय जादुई तौर पर काम करती है। नंबर 18, सुबह के समय ज्यादा चटपटी चीज खाने से बचना चाहिए, वरना आपको कई बीमारी होने का खतरा रहता है। नंबर 19, अदरक और अजवाइन का इस्तेमाल ज्यादा करें, इससे गैस की दिक्कत कम होगी। नंबर 20, केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें, थायराइड, बीपी और पेट ठीक रहेगा। नंबर 21, सुबह उठकर अपनी छत पर पक्षियों के लिए ताजा पानी रखने से घर में बरकत होती है। नंबर 22, पानी में अदरक उबालकर पीने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 23, पिसी हुई काली मिर्च को नमक मिलाकर दांतों पर लगाने से दांत के दर्द में राहत मिलती है। नंबर 24, हाजमा ठीक रखने के लिए खाना खाने के बाद अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लें। नंबर 25, जो औरतें अपने बाल बांध कर रखती हैं उनके दिमाग को ताकत मिलती है और बाल झड़ने की समस्या भी नहीं होती। नंबर 26, ब्रेड को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा खुले में सामान्य तापमान पर रखना चाहिए, इससे ब्रेड जल्दी खराब नहीं होती। नंबर 27, लाल रंग के ड्रैगन फ्रूट्स के अंदर गहरे काले रंग के बीजों में ओमेगा 3 और ओमेगा 9 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो दिल के लिए काफी अच्छे होते हैं। नंबर 28, खाने में हमेशा पीली नारंगी व हरी सब्जियों का उपयोग अवश्य करें। नंबर 29, जो औरतें रोटी बनाते समय पहली रोटी मोड़ कर रखती हैं तो यह शुभ माना जाता है। नंबर 30, जो इंसान पेशाब रोकता है उसे लकवे की समस्या हो सकती है और साथ ही पेट संबंधी अन्य कई बीमारियों का खतरा भी रहता है। नंबर 31, रात का भिगोया आधा चम्मच कच्चा जीरा सुबह खाली पेट चबा कर वही पानी पिए, एसिडिटी नहीं होगी। नंबर 32, शरीर को खूबसूरत रखना है तो रोजाना खुली हवा में लंबे लंबे सांस लें और कुछ देर पैदल जरूर चलें। नंबर 33, पुदीने की एक टहनी 1 लीटर पानी में उबालें और दिन में 3 बार पिएं, मैदे की तेजाबियत दूर हो जाएगी। नंबर 34, चीनी कम से कम प्रयोग करें, ता उम्र हड्डियां ठीक रहेंगी, चीनी की जगह गुड़ या देसी शक्कर लें। नंबर 35, फ्रिज में बहुत समय के लिए आलू रखकर कभी नहीं खाना चाहिए,
नहीं तो आलू के पोषक तत्व विषाक्त पदार्थों में बदल जाते हैं। नंबर 36, सोने से पहले सौंफ का सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। इसके लिए एक चम्मच सौंफ के साथ 2 बादाम खाएं, कुछ ही दिनों में अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। नंबर 37, नाश्ते में गेहूं का दलिया खाओ, शुगर की समस्या खत्म हो जाएगी। नंबर 38, यदि आपको गैस की समस्या हो तो अदरक के टुकड़े पर काला नमक लगाकर मुंह में डालकर चूसते रहें, धीरे धीरे गैस बननी बंद हो जाएगी। नंबर 38, मूली के पत्ते चबाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नंबर 39, चने की दाल के पानी से 1 सप्ताह तक मुंह धोएं, सांवला रंग दूध जैसा हो जाएगा। नंबर 40, अनार पोटेशियम से भरपूर होने के कारण दिल के लिए काफी अच्छा होता है। इसके सेवन से ब्लड वेसल्स में खून के थक्के या कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता और दिल के दौरे की संभावना कम होती है। इसके साथ साथ उच्च रक्तचाप में भी अनार का सेवन सही माना जाता है। अनार के सेवन से डायबिटीज में भी राहत मिलती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।